हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए नए जॉब एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन की ओर से जारी की गई है और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत अलग अलग वैकेंसी को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो देखिए, इन वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 26 अगस्त 2019 और लास्ट डेट है 25 नवंबर 2019 और इन वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 45 वर्ष के बीच रखी गई है। तो देखिए, यदि हम पोस्ट की बात करें तो इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर जिसका पोस्ट कोड है 201, इसकी एक वैकेंसी रखी गई है। ड्राफ्ट्समैन जिसका पोस्ट कोड है 202, तो देखिए इसमें भी टोटल एक वैकेंसी रखी गई है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन असिस्टेंट और इसकी भी टोटल एक वैकेंसी रखी गई है और इसका पोस्ट कोड है 203। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, तो देखिए इसकी टोटल वैकेंसी है 4। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2, एससी के लिए 1 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एक वैकेंसी रखी गई है और इसका पोस्ट कोड है 204। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, तो देखिए इसका पोस्ट कोड है 205 और इसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और इसमें टोटल वैकेंसियाँ 13, तो देखिए इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 5, एससी के लिए 3, एससी बीपीएल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ओबीसी बीपीएल के लिए 1 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 वैकेंसियां रखी गई हैं और इसका पोस्ट कोड है 206। नेक्स्ट है स्टोरकीपर कम क्लर्क, तो देखिए इसका पोस्ट कोड है 207 और इसमें टोटल एक वैकेंसी रखी गई है और ये वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। नेक्स्ट है फील्ड असिस्टेंट, तो देखिए इसका पोस्ट कोड है 208, इसमें टोटल वैकेंसी है 5 और इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी, तो देखिए इसका पोस्ट कोड है 209 और इसमें टोटल वैकेंसी हैं 5, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। तो देखिए नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट जिसका पोस्ट कोड है 210 और इसमें टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं, एक वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए और एक वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन पंप ऑपरेटर, तो देखिए इसका पोस्ट है 211, इसमें टोटल वैकेंसी है 1। नेक्स्ट है ड्राइवर जिसका पोस्ट कोड है 212, तो देखिए इसमें 2 वैकेंसियां हैं, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए और एक वैकेंसी इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए रखी गई है। नेक्स्ट है ड्राइवर, तो देखिए इसका पोस्ट कोड है 213, इसमें भी टोटल 2 वैकेंसियां और इसमें एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए और एक वैकेंसी इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए रखी गई है। तो देखिए नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड है 214, इसमें टोटल वैकेंसियां हैं 2, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए और एक वैकेंसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड है 215, तो देखिए इसमें जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइनमैन जिसका पोस्ट कोड है 216 और इसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। नेक्स्ट है केयरटेकर जिसका पोस्ट कोड है 217 और इसमें टोटल एक वैकेंसी रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है मैट्रॉन, तो देखिए इसका पोस्ट कोड है 218 और इसमें जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। तो देखिए इस वैकेंसी पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। देखिए यदि हम इन वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जो है इस प्रकार से है। कंप्यूटर प्रोग्रामर जिसका पोस्ट कोड है 201, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है, इसके अलावा एमसीए किया है, वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन जिसका पोस्ट कोड है 202, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने 10 प्लस 2 की है, इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा आर्किटेक्चर में किया है, वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन असिस्टेंट, देखिए जिन कैंडिडेट ने 10 प्लस 2 की है, इसके अलावा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा किया है, वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल जिसका पोस्ट कोड है 204, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की है या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया है, वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड है 205, जिन कैंडिडेट ने हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर में एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन में बीएससी की है, वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड है 206, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने 10 प्लस 2 की है, इसके अलावा 1 साल का कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन
या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है स्टोर कीपर कम क्लर्क, जिन कैंडिडेट ने 10+2 की है और इसके अलावा 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड हिंदी में है वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फील्ड असिस्टेंट पोस्ट कोड 208, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने साइंस में 2+ की है वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी, जिसका पोस्ट कोड है 209, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर में बीएससी की है वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने 10+2 साइंस के साथ की है वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने 10th की है इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन मोटर मैकेनिक में आईटीआई की है वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है ड्राइवर, जिसका पोस्ट कोड है 212 और 213, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने 10th की है इसके अलावा हैवी या फिर लाइट व्हीकल चलाने का वैलिड लाइसेंस है वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसका पोस्ट कोड है 214, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने 10+2 की है और उनके 2+2 में एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 1 साल का डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में है वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड हिंदी में मांगी गई है। तो देखिए नेक्स्ट है स्पोर्ट्स असिस्टेंट, जिन कैंडिडेट ने 10+2 की है वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में किया हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइनमैन, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने 10th की है इसके अलावा आईटीआई सर्टिफिकेट है वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन ट्रेड में की हो। नेक्स्ट है केयर टेकर, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने 10+2 की है उसके अलावा 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हो। नेक्स्ट पोस्ट है मैट्रॉन, जिसका पोस्ट कोड है 218, तो देखिए इस पोस्ट पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं और इसमें जिन फीमेल कैंडिडेट ने 10+2 की है इसके अलावा कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा किया है वे सभी फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकती हैं। तो देखिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी सोलन की ओर से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि इन वैकेंसी के लिए जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा जो 15 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें आपको 15 नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे और इन वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है और आप इन वैकेंसी पर किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, तो देखिए पूरी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।